क्या खुशबू आ रही है गोश्त की यार, ये दाल मखनी जो है ये लाइव बनती है? जी सर, दाल मखनी मूंग मसूर की होती है, हमारी स्पेशलिटी होती है। ये हमारी बारबेक्यू मटन चाप, मटन चाप आ गई, चटपटी होती है बहुत ही ज़बरदस्त। ये बारबेक्यू विंग्स के ऊपर जो है ना, वो मेरी नज़र लगी हुई है बहुत देर से, और ओफो तो फिर चले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और आज हमारा सफ़र है कराची से ज़रा सा आगे ठट्टा के लिए, क्योंकि ठट्टा में है बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट मकली, मकली का कब्रिस्तान जो कि बहुत ही पुराना है, बहुत ज़बरदस्त उसकी हिस्ट्री है, और उससे थोड़ा पहले है घारो जहाँ पे है कैफ़े इमरान, जिनके पास बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूज वैरायटी है। ना सिर्फ उनके पास खाने बहुत सारे हैं, बल्कि वो खाने हाइजीनिक तरीके से भी बनाए जाते हैं, स्पेशली उनका मटन रोस्ट तो मुझको बहुत ही पसंद है। तो आज हम मकली जाएँगे, ठट्टा जाएंगे, और आज मेरे साथ मेरा नया हम सफ़र है, मेरा नया मोबाइल फ़ोन इन्फिनिक्स 020। क्या है मेरे इस नए मोबाइल फ़ोन में वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अपना सफ़र शुरू करते हैं, तो फिर चलें। हाँ जी, अभी हम रुके हैं हाईवे के ऊपर, ज़रा यहाँ चाय पियेंगे, हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे, और आप लोग देख रहे हैं कि मैं साथ साथ अपने मोबाइल फ़ोन से भी व्लॉगिंग करता जा रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि मेरे इन्फिनिक्स 020 के अंदर है 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विद OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिससे आपकी वीडियो और आपकी तस्वीरें जो है ना वो बहुत ही स्टेबल रहती हैं, और इसके अंदर एक अल्ट्रा स्टडी मोड भी है जिसको अगर आप ऑन कर दें तो आप जितना भी चलें फिरें, भागे दौड़ें, जितना भी शेकी इन्वायरमेंट हो, आपकी वीडियो स्टेबल रहेगी, जो कि व्लॉगिंग के लिए एक बहुत ही बेस्ट मोड है, बहुत ही बेस्ट टूल है। ओवरऑल ये कैमरा बहुत ही आला है भाई। अभी हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर अपना सफर जारी रखेंगे। भाई सोचा तो ये था कि हल्का फुल्का नाश्ता होगा, लेकिन हल्के फुल्के में भी अब अंडा पराठा और चने तो बनते ही है ना। बिस्मिल्लाह। चाय जब तक सिस्टम में जाती रहती है उस वक्त तक बैटरी जो है ना वो चार्ज रहती है, तो चाय जो है वो ज़रूरी है। नाश्ता हो गया है भाई, चाय भी बहुत ही आला थी, नाश्ता भी बहुत ही ज़बरदस्त था, और अब हम अपना सफ़र मकली की तरफ जारी रखते हैं। भाई हम पहुंच गए हैं मकली के कब्रिस्तान में, और ये जो पूरा इलाका है शुरू में आते ही यहाँ पे इनके ऑफिसेज़ वगैरह बने हुए हैं, कैंपस ऑफिस है, हेरिटेज की जो सारी टीम वगैरह है वो सब यहाँ पे बैठती है, और यहाँ से अंदर ये शटल सर्विस भी चलती है और पैदल भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे जी, ठीक है, खैरियत से हैं? सरफराज भाई जो है वो मैनेजर हैं कंजर्वेटिव टीम के, जो कंजर्व करती है सारी चीज़ों को। हमारे सिंध में दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक मोहनजोदड़ो और ये मकली। मकली का जो एरिया है वो 912 एकड़ पर मुहित है। छः सौ साल से ज़ायद पुराना ये मकली का कब्रिस्तान तकरीबन 12 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये ईसा खान तुरखान जो कि शाहजहाँ के दौर में गवर्नर थे पूरे सिंध के, उनका ये मकबरा है, और चार अदवार यहाँ पे गुजरे हैं, सम्मो, अरगोन, तुरखान और मुग़ल्स। इन चारों अदवार के अंदर जो है ना वो जितने बादशाह गुजरे, जितने लोग गुजरे, उन सब की कब्रें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये शहर खमोशा वो शहर है कि जहाँ बादशाह भी हैं, फ़कीर भी हैं, मुर्शिद भी हैं, मुरीद भी हैं, उलमा भी हैं, शोरा भी हैं, सिपे सालार भी हैं, और गद्दार भी हैं, आशिक भी हैं, माशूक भी हैं, लेकिन यहाँ की खामोशी, यहाँ की वहशत ये बताती है कि सब माया है, सब फ़ानी है। भाई मकली का ये कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि एक दिन में तो ये पूरा एक्सप्लोर नहीं हो सकता, हमने एक छोटा सा पार्ट इसका अभी एक्सप्लोर किया है। बहुत से राज ये अपने सीने के अंदर छुपाए हुए हैं, जो वक्तन फवक्तन हम आके इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी भूख भी लग रही है, दोपहर भी हो रही है, तो हम चलते हैं कैफ़े इमरान जो हमारी इसके बाद वाली मंजिल है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। अस्स
अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। भाई वैसे तो कैफे इमरान की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है खानों की, लेकिन इनका जो मटन रोस्ट है ना ख़ास तौर पे, वो मैंने खाया हुआ है। और अगर मैं पूरे पाकिस्तान में घूमा, जितना मैंने एक्सप्लोर किया उसको एवेल्यूएट करूँ, तो एक लाल शफूर पेशावर का रोस्ट, एक जो है ना वो क्वेटा का रोस्ट जो हमने खाया था और शाहवली का, और एक जो है ना वो कैफे इमरान का रोस्ट, ये तीन रोस्ट ऐसे हैं जो नंबर वन है। मैं थोड़ा सा आपकी बात में ऐड करूं, जो मैं रेसिपी तो क्वेटा की है मेरी। अच्छा, आप भी आप क्वेटा से ही हैं? जी हाँ, मैं क्वेटा से हूँ, लेकिन जो दुम्बे है ना वो भी क्वेटा से ही आते हैं। ओ, जो इसका जो रोस्ट जिससे बनता है तो मैं क्वेटा से ही मंगाता हूँ। भाई ये जो कैफे इमरान है ना, ये है तो एक छोटे से शहर में, ठट्टा का एक छोटा सा पार्ट है घरों, लेकिन जो इन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, जो इनका हाइजीन है, जो इनका इन्वायरमेंट है और जो टेस्ट है, उसकी वजह से कैफ़े इमरान कराची से लोग खाने के लिए खाना आते हैं, और जो लोग सफ़र में होते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, वो यहाँ का खाना खाते हैं, और हम थोड़ा सा किचन को एक्सप्लोर करते हैं। फिर चाय का हमारा जो चाय भी हमारी बेहतरीन है, वही क्वेटा वाली चाय जो है मकसद, तो चाय के तो कराची वाले वैसे भी पागल है। भाई ये देखें आप, एक तो सफाई सुथराई का निज़ाम यहाँ पर बड़ा अच्छा है, सब लोगों ने जो है ना वो हेयर नेट यहाँ पर लगाए हुए हैं, और यहाँ पे ये सालन वगैरह डिफरेंट रखे हुए हैं। क्या क्या है ये? चिकन कोरमा है भाई ये। ओके, ये मटन तीमा, ये दाल माश, अच्छा ये मटन फ्राई, और ये चने, चने तो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये है असल आइटम भाई, रोश, ये नमकीन रोश, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये बिरयानी, अच्छा 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 भाई, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आई है ना अभी खानों की, और ख़ास तौर पे बिरयानी और रोज़ देख के तो मुंह में पानी आ गया है भाई। अच्छा ये बार है, बार है ना, वाह वेरी नाइस है। ये आपको बहुत कम स्पॉट में मिलेगा ब्लू लगून, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, खाने के साथ इसका बहुत बेहतरीन वो बनता है। भाई इमरान भाई ने कहा है कि अभी आप गर्मी से आ रहे हैं तो ये ब्लू लगून टेस्ट करें, तो जज़ाकअल्लाह भाई, टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। वाकई में जो अभी हम गर्मी से आए तो ये ब्लू लगून पी के ठंड पड़ गई, बहुत आला। स्पेशल फालूदा कैफे इमरान का, बारबेक्यू आपका दोपहर में भी होता है, रात में भी होता है, जो मेन्यू दोपहर में वही मेन्यू रात में भी है, वही रात में भी होता है, तो सारा मेन्यू को आप दोपहर में आओ रात में आओ कोई मसला नहीं है, नहीं कोई मसला नहीं। ओके, चेंज नहीं होती है। ज़बरदस्त भाई, ये लगा हुआ भाई ज़बरदस्त सा बारबेक्यू, मलाई बोटी है यहाँ पे, ये चिकन बोटी है, ये विंग्स हैं, अच्छा मटन चॉप्स हैं ये, और वो मटन बोटी, ओ हो हो, अच्छा वानी बोटी, तुम्हें चक्की भी होती है इसमें, चक्की अलग से, यार क्या बात है यार, ये तो मेरी फेवरेट आइटम लगे हुए हैं यहाँ पे सारे। ये भाई यहाँ पे ये फास्ट फूड का आइटम, एपेटाइजर वगैरह, ब्रोस्ट वगैरह, ये सब यहाँ पे तैयार हो रहा है। यहाँ से ये कढ़ाई एरिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं, जबरदस्त। ये कढ़ाइयाँ बन रही हैं भाई ज़बरदस्त। तो कढ़ाई कौन सी वाली, क्वेटा वाली है, पिशावर वाली है? ये बस जो कराची वाली कढ़ाई है। अच्छा कराची वाली कढ़ाई, कराची वाली में थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा होता है, वही वही मटन शाही कढ़ाई, और दुम्बा कढ़ाई भी होती है चिकन कढ़ाई में, फिर हांडिया भी होती है। क्या बन रहा है? दाल मखनी जी। ओ ये दाल मखनी जो है ये लाइव बनती है? जी सर, दाल मखनी मूंग मसूर की होती है, हमारी स्पेशलिटी होती है, देसी घी में और मक्खन में तड़का लगता है इसका। अच्छा है, ये लाइव बनती है फिर। अच्छा ये इसका पेस्ट तैयार हुआ हुआ है, दाल मखनी बॉयल नहीं हुआ। अच्छा खाली बॉयल होता है। अच्छा ये बॉयल हुई हुई है, इसका पहले इन्होंने मसाला डाला, और अब ये इसका जो है ना वो बॉयल पेस्ट जो है ये डाल के अब ये बिल्कुल ताज़ी ताज़ी तैयार हो गई है। इसमें मक्खन, क्रीम और देसी घी का लास्ट में इसमें तड़का लगता है। ये जीरे का तड़का आ गया, ये हो गई हमारी दाल मखनी। जी
स्टोर है। ओहो, ये तो ऐसा लग रहा है मैं किसी सुपर स्टोर में आ गया हूँ। ये यूटिलिटी स्टोर में स्टोर का माहौल है। क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से? ये सारे यहाँ पे भाई इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, दालें वगैरह, ये वो सारे मसाले सारे, बहुत ही ज़बरदस्त यार। आगे आ जाए भाई, माशाल्लाह एक कॉरिडोर से दूसरे पे निकलते जा रहे हैं। ओहो, क्या हाल है भाई? ठीक है, सही भाई। ये इंतहाई से ज़्यादा चिल माहौल हो रहा है यहाँ पे। जो SOPs होती हैं कि गोश्त को ठंडे उसमें रखना चाहिए, और यहाँ पे भी माशाल्लाह ये आप जैसे जो बुचर्स वगैरह हैं इनके सारे, ये देख के जो है ना, ये असल में ये ऐसा रेस्टोरेंट है कैफ़े इमरान, जो कि आप आगे किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई किसी को कोई रेस्टोरेंट देखना है तो वो कैफ़े इमरान आके देख लें। वो भी ये नहीं कि किसी कराची लाहौर बड़े शहर में, बल्कि खट्टा के एक छोटे से इलाके, छोटे से कस्बे घरों में। बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ भाई, कैफ़े इमरान का जो ये इतना मज़ेदार खाना है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, और उस टीम के चंद लोग जो है ना वो यहाँ पे खड़े हुए सारे शेफ़ भाई, और इनके साथ हमें बनानी है अभी एक सेल्फी। लेकिन उससे पहले एक नारा हो जाए तो फिर चले। चले जी, खाना हमारा आ गया है। तो ये एपेटाइजर्स में क्या आया है? मेरे ख्याल से स्टार्टर का प्लेटर है ये। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ये विंग्स हैं मेरे ख्याल में, ये बारबेक्यू विंग्स हैं। ओके, ये चिकन स्ट्रिप है, ये चीज़ी चिकन टेंडर है, ये पेरी चिली बाइट्स हैं, और ये डायनामाइट चिकन। क्या बात है, इसके साथ काफ़ी सारे सॉसेस भी हैं यहाँ पे। ये सर, ये हमारी बारबेक्यू मटन चाप, मटन चाप, ये चटपटी होती है, बहुत स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त। वैसे इनका डाइनिंग एरिया अंदर भी है, उसमें AC भी लगा हुआ है, फैमिलीज के लिए अलग सेटअप है, लेकिन हम बैठे हैं थोड़ा आउटडोर। सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते करते ना हमें अब तकरीबन शाम होने वाली है, और ये है हमारी चीज़ी चिकन टेंडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार। बहुत से लोग समझते हैं कि यहाँ पे खाली पाकिस्तानी खाने मिलते हैं, लेकिन ये प्लेटर देख के ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल डिशेज़ भी मिलती हैं, चाइनीज़ का भी सेटअप है। मलाई बोटी, भाई प्लेटर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इमरान भाई ने कहा है कि चाप जो है ना वो ठंडी हो जाएगी, तो आप इसको ज़रा चख लें। और ये मैंने बनते हुए भी देखी थी कि मसाला इसके अंदर लगा हुआ था, और इसी मसाले वाली चाप है ये। बिस्मिल्लाह, वाह, इंतहाई टेंडर, मज़ेदार गोश्त, और जो गोश्त की क्वालिटी है ना वो मैटर करती है, वो हमने देख लिया किचन के अंदर। मसाले वाली चाप है, लेकिन बहुत तेज़ मसाला नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ही बैलेंस्ड स्पाइसेस हैं इसके अंदर, और गोश्त इंतहाई नरम व मुलायम। और साथ में हमारा ये मेन कोर्स भी आ गया है, ये आ गया हमारा मटन रोस्ट। ओहो यार, ये जो इन्होंने, ये आप ये देखें, अभी मैं समझ में नहीं आ रहा क्या पकड़ूँ क्या छोड़ूँ। ये पूरी एक तो ओहो यार, ये जो ऐसी चक्की गली हुई है ना कि हाथ रखो, और ये देखें आप, ये मैं फोर्स भी नहीं लगा रहा हूँ और ये इतनी गली हुई है। और ये माश की दाल के साथ ये सर्व होता है। ये रोज़ चेक करें भाई आप, ओफो, बहुत ही गर्म हो रहा है भाई। ये जो आप चर्बी देख रहे हैं ना, ये है असल साइंस। ये जो दुम्बे मंगवाए जाते हैं क्वेटा से, ये आपको उन्हीं के अंदर मिलेगी, और इतनी ज़्यादा डिटेल्स का ख्याल रखना, ये भाई बहुत ही ज़बरदस्त बात है, जब भी जायका आता है। बिस्मिल्लाह, इतना नरम व मुलायम गोश्त था भाई कि मैंने ज़रा सी बाइट लेनी चाहिए, लेकिन गोश्त फिसल फिसल के जो है ना वो आपके मुंह में जा रहा है। और भाई जब इतने सारे आइटम आप ट्राई कर रहे हो, स्पेशली दुम्बे का गोश्त इतनी ज़बरदस्त हैवी फैट के साथ, तो ये ब्लू लगून आपको मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और मेरी फेवरेट माछ की दाल भी आई हुई है, तो माछ की दाल का कॉम्बिनेशन जो है ना ये बनता है मटन रोश के साथ। थोड़ी चर्बी, थोड़ी माछ की दाल, थोड़ा गोश्त, और गर्मा गर्म नान, और कैफ़े इमरान का ये माहौल। भाई यहाँ ये मलाई बोटी भी रखी हुई है, नरम मुलायम सी मलाई बोटी। ये आ गया भाई हमारा ट्विस्टर पिज्ज़ा विथ फ्राइज। तो आपको भाई मुख्तलिफ वैरायटीज जो है ना, ये मैंने इमरान भाई पे छोड़ दिया था। वैसे तो मैं मटन रोश और दाल खाने के लिए मेनली यहाँ पे आया था, लेकिन ये
सारे एक्स्ट्रा आइटम जो है वो स्पेशली इमरान भाई जज़ाकअल्लाह, थैंक यू आपने, हम तो दो तीन आइटम खाने के लिए आए थे लेकिन इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी इतनी कर दी। ये ट्विस्टर पिज़्ज़ा जो है, ट्विस्टर पिज़्ज़ा मैंने कराची में भी खाया हुआ है, एक नई इनोवेशन है पिज़्ज़ा के अंदर, ये काफ़ी स्टफ्ड माहौल है, चीज़ भी है, चिकन भी है, मज़ेदार है, खाना इतना लजीज है कि दिल चाह रहा है आप खाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं। जिया भाई और भी चीज़ें आ रही है ना? नहीं नहीं बिल्कुल समझो आप स्टार्टर में चल रहे हैं। ये भाई आपने किधर ट्राई किया? वो इंशाल्लाह हम कैफे मीरान आना जाना लगा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 12 साल बाद आए हो जी? 10-12 तो नहीं, 3-4 साल बाद आया हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह जल्दी आऊँगा। इनका नाश्ता भी बहुत ज़बरदस्त है लेकिन मीठा हम खा सकते हैं। मीठा आपको खिलाएंगे उसके बाद चाय आपको। हाँ मीठा और चाय जो है ना, ये क्योंकि ये माशाल्लाह भाई बहुत ह्यूज वैरायटी है खाने की, और खाने का हाइजीन के साथ साथ टेस्ट भी बहुत मज़ेदार, और उससे ज़्यादा मज़ेदार है इमरान भाई की अपनी शख्सियत, जो इंतहाई मिलनसार खुश अखलाक आदमी है, और बड़े खुशी हुई आपसे मिलके। जज़ाकअल्लाह, ये मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत आला ज़बरदस्त भाई। खाना वाना सब हो गया और अब हम पियेंगे यहाँ पे ज़बरदस्ती चाय, और चाय बना रहे हैं भाई हमारे, क्या नाम है आपका? सैयद जुमा भाई बना रहे हैं ज़बरदस्ती चाय, और खुशबू इलायची की जो है ना वो यहाँ तक आ रही है, बहुत आला ज़बरदस्त। अरे भाई चाय, हमारी चाय आ गई है गर्मा गर्म ज़बरदस्ती, जुमा भाई के हाथ की स्पेशल चाय है भाई, बिस्मिल्लाह। हाँ भाई मज़ा आ गया है, जो दिन भर की थकन थी ना हमारी वो इस चाय से उतर गई है, चाय जब तक, बहुत आला मज़ा आ गया। इमरान भाई माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, ये हमारा सिंह, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया, थैंक यू भाई, जज़ाकअल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियो देख के मज़ा आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैफे इमरान पे आके मज़े मज़े के खाने, ख़ास तौर पे इनका मटन रोश ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।